हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके डिवाइस में पबजी खेलते वक्त अननोन एरर बताता है तो आप क्या करिए। उसमें बताता है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल में, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मेरे भी मोबाइल में आया है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन पूरा 100% दिखाता हूँ, जो कि काम करेगा आपके डिवाइस में। इसका क्या है, लोग ये नहीं जानते कि इसका मतलब ही अननोन एरर क्यों बता रहा है। लोग अपना मोबाइल रीसेट मार देते हैं, रीस्टार्ट बहुत बार कर देते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है निकल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको करना है, ठीक है। और किस कारण बताता है अननोन एरर, ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो मैंने अपना पबजी गेम ओपन कर दिया है, तो मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लगे। देखिए यहाँ अननोन एरर बता दिया, प्लीज़ रीसेट योर डिवाइस एंड ट्राई अगेन लेटर। इस तरह का अगर प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल में बताता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। इसका क्या है कि ये इस अननोन एरर क्यों बताया, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ये अननोन एरर इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप किसी का भी ब्रॉडबैंड नेटवर्क यूज़ करते हो, मतलब कि जो जैसे कि मैंने आपका दिखाया है कि वाईफाई नेटवर्क ऊपर से मैंने दूसरा कनेक्ट किया था, अपना मोबाइल डेटा ऑन नहीं किया था। मोबाइल डेटा मतलब कि सिम कार्ड में जो डेटा पैक है उसको मैंने ऑन नहीं किया था। अगर आप अपने सिम कार्ड में जो आपके डेटा पैक है उसको ऑन करते हो, या फिर किसी से हॉटस्पॉट लेते हो दूसरे मोबाइल से, ठीक है, दूसरे मोबाइल के द्वारा, तो आपका पबजी गेम आराम से चल जाएगा। इसका यही है कि जो पबजी गेम है वो एक प्राइवेट नेटवर्क मांगता है, जो कि बहुत सारे ब्रॉडबैंड के नेटवर्क से अगर आप चला रहे हो तो कभी कभी अननोन एरर बता देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरदम आपका अननोन एरर बताएगा। आप पहली बार अपने मोबाइल डेटा से उसको पबजी गेम को ओपन कर लो, उसके बाद अननोन एरर नहीं बताएगा, फिर उसी मतलब कि ब्रॉडबैंड वाला नेटवर्क रहेगा, फिर उससे आप चला सकते हो। जो अननोन एरर का इशू है ये हर बार नहीं बताता है, आप किसी भी नेटवर्क से चला लो पबजी गेम, ठीक है, तो हर बार नहीं बताता है, कभी कभी बताता है। अगर कभी कभी आपके डिवाइस में अननोन एरर बताता है तो आप क्या करिएगा कि प्राइवेट नेटवर्क ले लीजिए किसी से, या फिर अपने मोबाइल डेटा को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही ऑन कर लेते हैं गेम, तो उसके बाद आप ब्रॉडबैंड नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, तो फिर आपका अननोन एरर नहीं बताएगा। तो इसमें यही मेन है कि अननोन एरर जो है ब्रॉडबैंड के नेटवर्क कुछ होते हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क में नहीं आते हैं, इसलिए पबजी गेम में अननोन एरर बता देता है आपके डिवाइस को। आप रीसेट मार लो या फिर रीस्टार्ट बहुत बार कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पबजी गेम को, ठीक है। अननोन एरर जो है फिर से बताएगा वो। इसलिए जो मैंने सोल्यूशन बताया कि आप मोबाइल डेटा का नेटवर्क या फिर किसी हॉटस्पॉट का ले लो, उससे आराम से चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आपको मैं गेम जो गेम है थोड़ा मेरा मोबाइल नेटवर्क जो है डेटा पैक वाला वो स्लो चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है पूरा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आप देख लीजिए इसी वीडियो में, तो कृपया करके एक बात सुन लीजिए, अपना रीसेट फ़ोन मत मारिएगा कि अगर अननोन एरर बता देता है तो मत करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत बंदे हैं जो कि रीसेट अगर उनका अननोन एरर बताता है पबजी गेम खेलते वक्त, तो फिर वो रीसेट मार देते हैं और बहुत बार रीबूट कर देते हैं, रीबूट मतलब रीस्टार्ट कर देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देख लीजिए, यहाँ नेटवर्क स्लो चल रहा है, यहाँ पे कि जैसे मैंने अभी प्राइवेट मोबाइल डेटा नेटवर्क को ऑन किया है, मोबाइल डेटा नेटवर्क को ऑन करने के बाद अब मैं अपने पबजी गेम को चलाऊंगा, यहाँ नेटवर्क अभी आया नहीं है, ठीक है। तो फिर ये मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑन होने के बाद ये पबजी गेम आराम से चल जाएगा, अननोन एरर फिर नहीं बताएगा आपके डिवाइस में भी। तो इसका सोल्यूशन यही है एक मात्र, और ऐसे मतलब बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ हैं जो कि 100% सोल्यूशन के नाम से लेकिन पता नहीं क्या बता देते हैं, तो इसमें यही है मेन चीज़ यही है कि मोबाइल नेटवर्क का डेटा आप ऑन करिए, आप किसी भी ब्रॉडबैंड का यूज़ मत करिए। ब्रॉडबैंड का यूज़ करिएगा पर अगर जैसे अननोन एरर बता रहा है तो पहले आप मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑन कर लीजिए, उससे पबजी का जैसे फ्रंट पे जा जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप ब्रॉडबैंड का नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद अननोन एरर नहीं बताएगा, उसका इशू कुछ भी नहीं रहेगा।
और ये हर बार अननोन ईयर का इशू नहीं बताता, एक दो बार मुश्किल से बताता है। अगर आप हर बार प्राइवेट अपना नेटवर्क नहीं यूज़ कर रहे हो, किसी का ब्रॉडबैंड या फिर कहीं का वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है उसको कनेक्ट करते हो, तो उसके बाद अननोन ईयर आपके डिवाइस में बताता है। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये गेम आराम से अब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑन कर लिया है, वाईफाई नेटवर्क को बंद कर दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा पबजी गेम चल गया है। पबजी गेम बहुत आसानी से देखिए मोबाइल नेटवर्क ऑन करते करते ही अपना पबजी गेम चल गया है। इसका फ्रंट पेज आए तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। देख लीजिए ये चल गया है पबजी गेम। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे तो पबजी गेम चल जाएगा। तो तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में अपने, जिसको भी बहुत लोग को जो लोग पबजी गेम खेलते हैं उनको शेयर करिएगा ये वीडियो, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम इस तरह का आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। Oh.